बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप यहां पर चेक कर पाएं। यानी कि आर्मी बीआरओ की ओर से नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती में आपको टोटल वैकेंसी दी गई है 559 वैकेंसी दी गई टोटल, आप यहाँ पर वो भी चेक कर पाएंगे। आर्मी बीआरओ रिक्रूटमेंट 2021 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, भारत के किसी भी राज्य से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो आर्मी बीआरओ की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो, यानी कि इंडियन बीआरओ की ओर से नई वैकेंसी आ चुकी है। इस भर्ती में आप भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप कम से कम 10वीं पास है, यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। इस भर्ती का एज लिमिट रहेगा, अगर आपके 18 ईयर से लेकर 30 ईयर के बीच में है, तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई, ग्रुप सी की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, अलग अलग प्रकार की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। सभी वैकेंसी की जानकारी के लिए आपको वीडियो कम्प्लीट देखना होगा। आवेदन आपको किस प्रकार से फिल करना है, कहां से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, तो मैंने उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और नेम रहेगा वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आर्मी बीआरओ की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो आप इसको यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे फास्ट अपडेट मिलता है, जैसे कि लेटेस्ट वैकेंसी, लेटेस्ट एडमिट कार्ड हुआ, सिलेबस हुआ, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर समय समय पर दी जाती है। तो आप इसको यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको इस ग्रुप का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको जहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है, 559 वैकेंसी दी गई है टोटल, आप यहाँ पर वो भी चेक कर पाएंगे। आपको यहाँ पर पोस्ट नहीं मिलेगा टोटल, आपको यहाँ पर 6 प्रकार की वैकेंसी दी गई है। ड्राफ्ट मैन के लिए होगी, सुपरवाइजर स्टोर, रेडियो मैकेनिक, लैब असिस्टेंट, मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए होगी, और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। जो आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है अलग अलग पोस्ट अनुसार, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर वो भी चेक कर पाएंगे। ड्राफ्ट मैन के लिए आपको आप यहां पर चेक कर पाएंगे, 43 वैकेंसी होगी। सुपरवाइजर स्टोर के लिए 11 वैकेंसी होगी। रेडियो मैकेनिक के लिए 4 वैकेंसी होगी। लैब असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी होगी। और मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए 100 वैकेंसी होगी। जो यहां पर सेकंड वैकेंसी होगी ड्राइवर के लिए, उसमें यहां पर 150 वैकेंसी होगी। स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 150 वैकेंसी होगी। टोटल वैकेंसी हो जाएगी 459 वैकेंसी हो जाएगी, आप उसकी यहाँ पर जानकारी ले पाएंगे। हो कैन अप्लाई, तो उस भर्ती में भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होगी। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आप करेंगे ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 50 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पर पे करना होगा। अगर आप एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप पर्सन या फिर फीमेल कैंडिडेट है, तो आप बिल्कुल फ्री में इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। वैसे तो यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए अलग अलग आपको वेतन मिलेगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। 18,000 रुपये से लेकर 92,300 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल है, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी भी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। मल्टी स्किल्ड वर्कर की जो वैकेंसी होगी, इसमें 18 ईयर से लेकर 25 ईयर के बीच में आपकी एज होना अनिवार्य है। जो अदर पोस्ट रहेगी, उनमें जो आपकी एज लिमिट रहेगा 18 ईयर से लेकर 27 ईयर के बीच में, अगर आपकी एज है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो आपको एज में छूट दी जाएगी, SC ST वालों को 5 ईयर की मिलेगी, OBC वालों को यहाँ पर 3 ईयर की मिलेगी, और ESM कैंडिडेट के लिए 10 ईयर की आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी। जो एज काउंट की जाएगी 1 फरवरी 2021 तक की जाएगी, यानी कि 1 फरवरी को आपकी नहीं तो 18 से कम हो, नहीं 27 से ज़्यादा हो। अगर आप यहाँ पर OBC कैंडिडेट जो, उसमें आपकी एज हो जाएगी 18 ईयर से लेकर 30 ईयर के बीच में, अगर आपकी, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती की फिजिकल डिटेल यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी, यानी कोई हाइट नहीं, कोई वेट नहीं, कोई दौड़ यानी कि रनिंग भी आपकी इस भर्ती में नहीं होगी। अगर आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चेक कर पाएंगे। अगर आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिप्लोमा ITI कुछ भी किया हुआ है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। वैसे अगर आप यहाँ पर कम से कम 10वीं पास है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन में बता पाऊंगा। अगर आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप इनको कोई और ID भी दे सकते हो, वो भी यहाँ पर वैलिड
की जाएगी। इस बढ़ते हुए सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपका यहाँ पर एग्जाम रहेगा, फिर आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट रहेगा कुछ पोस्टों के लिए। अगर आप इस भर्ती की हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी दी गई है। अगर हम इस भर्ती के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 18 फरवरी 2021 से इस भर्ती का आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 3 मार्च 2021 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना, यानी कि जो इसकी लास्ट डेट रहेगी 3 मार्च रहेगी। आवेदन करने के लिए फ्रेंड्स आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्लस आपको यहाँ पर इसी में नीचे एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाना होगा और आपको यहाँ पर उसे सिग्नेचर अपने कर देना कैंडिडेट का। फिर आपको यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसकी जानकारी देनी होगी। आपको यहाँ पर नंबर बताना होगा पोस्ट एडवर्टाइजमेंट का। आपको फिर यहाँ पर अपनी कैटेगरी बतानी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर आपको यहाँ पर ये वाला बॉक्स खाली छोड़ना होगा और आपको यहाँ पर अदर जानकारी फिल कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट पे नंबर होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर 10वीं वाले के देनी होगी। फिर अपने पापा का नाम देना होगा यानी कि फादर नेम बताना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, परमानेंट एड्रेस बताना होगा, पोस्टल एड्रेस बताना होगा यानी कि प्रेजेंट एड्रेस देना होगा। फिर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फी की डिटेल देनी होगी, जो आपको फीस पे करनी है वो आपको यहाँ पर बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा। SBI बैंक में जाकर आप बनवा पाएंगे, अदर बैंक से भी आप वो बनवा पाएंगे। किस बैंक से आपसे आपने बनवाया उसकी जानकारी देनी होगी। आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेट भी देनी होगी, अमाउंट 50 रुपये आपको यहाँ पर फिल करना होगा। आपको यहाँ पर यह सभी जानकारी फिल कर देनी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन करना है तो उस वीडियो का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर दिया गया, वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आपको यहाँ पर इस भर्ती की वैकेंसी के बारे में बताया गया, आप यहाँ पर चेक करवाए 559 वैकेंसी दी गई टोटल। अगर आप यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज बताया गया है, आपको यहाँ पर हिंदी में बताया गया, आप यहाँ पर हिंदी की जानकारी आप यहाँ से ले पाएंगे। राज भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि हर पोस्ट के लिए जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे सुपरवाइजर की जो स्टोर की वैकेंसी होगी उसमें यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। पोस्ट टू जो कोड रहेगा वो 2 होगा, उसकी जानकारी आप यहाँ से ले पाएंगे। अगर आपने डिप्लोमा आपके पास है तो आप यहाँ पर इस भर्ती का लिए आवेदन कर पाएंगे। आपको यहाँ पर इसमें 10वीं 12वीं की भी वैकेंसी दी गई, आप यहाँ पर सभी जानकारी इसमें ले पाएंगे। सभी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट का यूज भी कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।